भक्ति के मार्ग में व्यभिचारिणी भक्ति बताई। ये बहुत ध्यान देने वाला प्रसंग है कि हम भक्ति करते हैं तो भक्ति हमारी कैसी है, किस श्रेणी की है, किस अवस्था की है। तो बोले हम हैं तो महाराज राधा वल्लभी, जो जिस उपासना का उपासक है, जिस संप्रदाय का अनुयायी है, उसको अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अपने इष्ट देव को छोड़ के जो 33 कोटि देवी देवताओं को भजता है, क्या वह अपने इष्ट देव की कृपा को प्राप्त करता है? बोले नहीं। बोले एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, जो तू सेवे मूल को फूल है फल है अघाए। व्यास जी महाराज ने जब राधा वल्लभ लाल की शरणागति ग्रहण की तो वो व्यास जी महाराज ने उनकी कृपा का दर्शन किया और उन्होंने कहा कि राधा वल्लभ मूल हैं और फूल फल पात और व्यास नहीं ते होते हैं अंश कला अवतार। बोले जो मेरे इष्ट देव राधा वल्लभ लाल हैं वह मूल हैं। हम कहीं पर भी जाएं, आप गंगा गए तो गंगा दास हो गए, जमुना गए तो जमुना दास। बोले नहीं, आप जब गंगा में स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, आनंद ले रहे थे, तो गंगा जी की जो सखी सहचरियाँ हैं ना, उन्होंने कहा कि बोले महाराज देखो आपका कितना भक्त है, कितना आनंद ले रहा है, कितनी आपकी पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो गंगा जी बोलती हैं कि नहीं, यह मेरा भक्त जरूर है, अनन्य भक्त नहीं है, मेरा सेवक नहीं है, आया है यहाँ आनंद ले रहा है। यमुना जी जाएगा, यमुना जी स्नान करेगा, वहाँ आनंद लेगा। बोले भक्ति के मार्ग में अनन्यता परम आवश्यक है। जिस दिन आपके अंदर अपने इष्ट के प्रति, अपने धर्म के प्रति अनन्यता का भाव जागृत हो जाएगा, आपको उसकी कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते जा रहे तो उनका मिलान हनुमान जी से हुआ। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने श्री राम के भक्त तो बहुत देखे, लेकिन जैसी भक्ति क्षेम गोसाई की है वैसी भक्ति मैंने नहीं देखी। खूब क्षेम गोसाई जी महाराज के यश का गान किया तो हनुमान जी के मन में विचार आया कि ऐसी भक्ति है तो बोले ऐसे भक्त का दर्शन मुझे भी करना चाहिए। बोले कभी जाना, कभी दर्शन करना। तो एक दिन हनुमान जी महाराज क्षेम गोसाई के समीप उपस्थित हुए और एक वृद्ध संत का रूप धारण किया हुआ था। उनके समीप एक प्रतिमा थी भैरवनाथ की, उसको लेके भज रहे थे, बैठे हुए थे। क्षेम गोसाई जी महाराज से उनका मिलान हुआ तो हनुमान जी ने कहा कि क्षेम गोसाई, मेरे पास यह भैरवनाथ की मूर्ति है, यह मूर्ति मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब मेरी वृद्ध अवस्था हो गई है, अब मुझ पर सेवा नहीं होती, इस मूर्ति का ऐसा प्रभाव है कि इसके चरण पकड़ कर तुम जिस वस्तु की कामना करोगे वह वस्तु तुम्हें देगी, जितनी स्वर्ण राशि की कामना करोगे वह स्वर्ण राशि भी तुमको देगी। क्षेम गोसाई जी महाराज ने सुना और सुन के अनसुना कर दिया। हनुमान जी महाराज बोले कि शायद इसने सुना नहीं, माया का प्रलोभन दिया कि क्षेम गोसाई, यह भैरवनाथ की मूर्ति है, यह मूर्ति मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसके चरण स्पर्श करके तुम जितनी स्वर्ण राशि की कामना करोगे उतनी स्वर्ण राशि तुम्हें प्राप्त होगी। संसार है, इसमें माया की जरूरत पग पग पे पड़ती है, यह धन की पूर्ति कर देगी। क्षेम गोसाई जी ने जवाब नहीं दिया तो हनुमान जी महाराज वृद्ध स्वरूप वह मूर्ति लेकर के क्षेम गोसाई के समीप गए। जैसे ही मूर्ति देने के लिए उद्यत हुए तो क्षेम गोसाई पीछे हट गए और उनके समीप एक डंडा पड़ा हुआ था, वह लेकर के मारने को दौड़े। जब क्षेम गोसाई डंडा लेके मारने को दौड़े तो हनुमान जी आगे आगे भाग रहे हैं, क्षेम गोसाई पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि क्षेम गोसाई ठहरो ठहरो, मैं हनुमान अपने रूप में प्रकट हुए। तो प्रकट होने के पश्चात क्षेम गोसाई जी ने उनको प्रणाम किया
तो हनुमान जी महाराज बोले कि चेम गोसाई तुम मेरे पीछे यह डंडा लेके मारने को दौड़े क्यों दौड़े। तो चेम गोसाई बोले कि बोले महाराज मुझे भय था कि आप यह भैरवनाथ की मूर्ति का स्पर्श मुझसे ना करा दे। बोले महाराज मैंने अपने जीवन पर्यंत अपने इष्ट देव श्री राम के अलावा किसी के चरणारविंद का स्पर्श भी नहीं किया है। यदि इस भैरवनाथ की मूर्ति का मुझसे स्पर्श हो जाता तो मेरी अनन्य भक्ति जो है ना वह खंडित हो जाती। हनुमान जी महाराज विचारते हैं देखो भक्ति के मार्ग में कितनी अपने इष्ट के प्रति दृढ़ता, कितनी अनन्यता, कितनी निष्ठा। जब तक हमारी अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा और अनन्यता नहीं होगी जब तक उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। भक्ति के मार्ग में विघ्न बताए कि चाल मनमुखी, जीव का दोष, कुसंग, व्यभिचार, यह व्यभिचारिणी भक्ति है। हम उपासना करते हैं, हम सेवा करते हैं, मंदिर में राधा वल्लभ जी भी विराजमान है, वहीं पर लक्ष्मी नारायण जी भी विराजमान है, वहीं पर सीताराम जी भी विराजमान है, वहीं पर शंकर जी विराजमान है। अब आप मन में विचार कीजिए राधा वल्लभ लाल निकुंज के ठाकुर हैं, वह निकुंज वृंदावन में विराजते हैं। लक्ष्मी नारायण बैकुंठ के ठाकुर हैं, वह जहाँ विराजते हैं वहाँ वैभव का दर्शन होता है। श्री राम साकेत विराजते हैं और शिव कहाँ विराजते हैं, बोले वह कैलाश विराजते हैं, स्मशान के देवता हैं और वह वहाँ कैलाश पर विराजते हैं तो अकेले ही विराजते हैं। तो बोले क्या उनको इनके साथ विराजमान करना उचित है, बोले नहीं, लेकिन हम भक्ति करते हैं अपनी अनुकूलता, अपने मन की अनुकूलता के अनुरूप भी सेवा करते हैं, इसीलिए हमको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। बोले राधा वल्लभ विराजमान है, उनके साथ हरिवंश महाप्रभु जी, सेवक जी, सखी स्वरूप गुरुदेव विराजमान है, उन्हीं में अपने मन को लगाए उनकी कृपा प्राप्त होगी। और यदि हम इनको छोड़ के अन्य देवी देवताओं को भी विराजमान करते हैं उसी को व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। भक्ति के मार्ग में अनन्यता परम आवश्यक है।